कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के बीच सेना और सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज सुरक्षा बलों ने शोपियां में मुठभेड़ के दौरान हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया। कल बडगाम में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्राया हुआ है। शोपिया के जैनपोरा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सुरक्षा बलों को जानकारी मिली। पैरामिलिट्री और सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चारों ओर से घिरने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जो मिलिटेंट्स हैं वो उनकी तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पे फायरिंग हुई और आज सुबह से ही वहां पे लगातार जो गोलीबारियों की आवाजें आ रही है। इस वक्त सुरक्षा बलों का कहना है कि करीब 4 से 5 मिलिटेंट्स के होने की आशंका है और आर्मी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जॉइंटली ये एक्सरसाइज और ऑपरेशन वहां पे कर रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शोपिया में मारे गए आतंकी हिजबुल से जुड़े हैं। मुठभेड़ के दौरान कवर कर रहे 4 पत्रकार भी जख्मी हुए। पत्रकार पैलेट यानी छर्रे से घायल हुए हैं। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच भी सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए जिनमें 6 आतंकी मारे गए। कल बड़गाम में चरारे शरीफ के पास सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया था। देश के गणतंत्र के पर्व यानी 26 जनवरी में खलल डालने के लिए आतंकी कश्मीर घाटी में लगातार हमले कर रहे हैं। 18 जनवरी को भी आतंकियों ने श्रीनगर के लाल चौक और शोपिया में ग्रेनेड से हमला किया था। हमेशा की तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। पिछले 4 सालों में सुरक्षा बलों ने 2018 में सबसे ज्यादा 250 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था और 2019 की शुरुआत के साथ ही आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। शुजाउल हक के साथ अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तर भारत के 3 राज्य बेहिसाब बर्फबारी से बेहाल है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फ का हवाई हमला जारी है। लगातार बर्फबारी से जवाहर टनल को बंद करना पड़ा है। कश्मीर घाटी का देश के दूसरे हिस्सों से संपर्क कट गया। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की रफ्तार पर ब्रेक की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले रास्ते पर बेहिसाब बर्फ का कब्जा है। ये तस्वीरें जवाहर सुरंग के पास की हैं, जहां हाईवे पर 2 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जमा है। मौसम साफ होने का इंतजार कर रही गाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया है। सेना की गाड़ियों की रफ्तार पर भी सफेद आफत ने ब्रेक लगा दी है लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में सेना के जवान मुस्तैद हैं। प्रशासन लगातार रास्तों पर जमा बर्फ की मोटी चादर हटाने में लगा हुआ है। देखिए कैसे बर्फ काटने वाली मशीन बिना थके लगातार रास्तों से बर्फ हटाने में लगी हुई है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। आज भी श्रीनगर शहर और दूसरे इलाकों की बात करें तो लगातार बारिशों और बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में आज कई सारे इलाकों से बर्फबारी होने की खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ एवलॉन्चेस की भी खबरें आ रही हैं। जवाहर टनल जो कि नेशनल हाईवे पे सटा हुआ है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एवलॉन्च आज सुबह ही आया है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रास्ता जो है वो बंद पड़ा है। जो इंतजामिया है उनका यही कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस रास्ते को खोल दिया जाए। कुदरत के हवाई हमले के आगे इंसान की बनाई मशीनों की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। जितनी बर्फ मशीनों की मदद से हटाई जा रही है उससे अधिक थोड़ी ही देर की बर्फबारी में रास्तों पर जमा हो जा रही है।
दरअसल कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली जवाहर सुरंग सामरिक रूप से बहुत अहम है, इसलिए प्रशासन की पूरी कोशिश जल्द से जल्द इस अहम रास्ते को खोलने की है। जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से इश्तियाक सोफी और सुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। तीन दिन पहले कोलकाता में 22 पार्टियों ने एक मन से हुंकार भरी। आज बीजेपी के शाह ने ममता के गढ़ में दहाड़ लगाई। बंगाल में 22 सीटों को टारगेट कर रहे बीजेपी अध्यक्ष ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। मैं आपको बताता हूं, पंचायत चुनाव हुए देश भर में होते, बंगाल में सिर्फ नहीं होते, 65 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता आहत हो गए, उनको मारा गया, करोड़ों लोग अपना वोट नहीं दे पाए। हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर करने लगा पड़ा कि व्हाट्सएप पर आप पर्चा डाल सकते हो, क्योंकि तृणमूल के गुंडे किसी को पर्चा डालने के लिए जाने नहीं। और तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी कहता हूं, कान खोलकर सुन लो, एक गलती लोकसभा में न करना, वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बार आपकी इंट से इंट बजा देगा, ये बात याद रखना। क्या ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है? कल लंदन में एक अमेरिकी हैकर के खुलासे के बाद ईवीएम पर फिर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हैकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस प्रायोजित सर्कस करार दिया, तो कांग्रेस ने हैकर के दावों की जांच की मांग की है। सात समंदर पार की इस तस्वीर से सियासी घमासान छिड़ गया है। तस्वीर में एक नकाबपोश है, हैकर्स हैं, पत्रकार हैं और एक नेता भी हैं। नकाबपोश शख्स स्काइप से जुड़ा है, अमेरिका से चेहरा ढक कर लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, ईवीएम हैकिंग का सनसनीखेज खुलासा कर रहा है। A complete discrimination between the EVM data and the VVPAT data. So you will find a huge amount of discrimination or discrepancy. दावे ऐसे ऐसे कि आप भी सन रह जाएं। हंगामेदार दावे करने वाले इस शख्स का नाम है सैयद शुजा। भारतीय मूल का है और खुद को साइबर एक्सपर्ट बताता है और इस वक्त अमेरिका में रह रहा है। खुद को ईवीएम डिजाइनिंग टीम का हिस्सा बताने वाले इस शख्स का दावा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और 2014 में हैकिंग से बीजेपी को मिली जीत। शुजा यही नहीं रुका, बल्कि ये भी दावा किया कि हाल के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी ईवीएम हैकिंग की कोशिश हुई, लेकिन उसने इसे इंटरसेप्ट कर लिया। विदेशी जमीन पर ईवीएम हैकिंग के दावे पर देश में सियासी दंगल छिड़ गया। बीजेपी ने सीधे सीधे इसे कांग्रेस प्रायोजित प्रोग्राम बता दिया। लंदन के हैकाथॉन में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी ने बीजेपी को हमले का एक और मौका दे दिया। आपने देख लिया कि यह पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं, और उसके मैंने आपको सबूत दे दिए। अब ये श्रीमान सैयद सुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। 4.5 साल से देश का मैं आईटी मंत्री तो हूं, आज तक मैंने तो नाम नहीं सुना इनका। जहां तक लंदन का सवाल है और ये मेरा छठा सूत्र है, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का ऐसे कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस ने आयोजित किया है, न कोई कहता है कि कांग्रेस ने आयोजित किया है, सिवाय बीजेपी जो बरगलाना और बहकाना चाहती है। कपिल सिब्बल जी ने खुद ने स्पष्ट किया है कि वो वहाँ पर कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि आशीष रे जो ये पत्रकारों के संगठन के ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो गए उस निमंत्रण के आधार पे और भी कुछ काम के साथ इस काम को देखने भी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रविशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने इसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की खुराफात बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2019 की हार का बहाना अभी से ढूंढ रही है।
चुनाव आयोग अपने दावे पर कायम है। आयोग ने फिर कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है, इसमें छेड़खानी संभव नहीं है। यही नहीं, चुनाव आयोग सूत्रों का ये भी कहना है कि सैयद शुजा कभी ईवीएम डिजाइनिंग टीम में शामिल रहा ही नहीं। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन चुनावी साल में ईवीएम पर उछला ये विवाद यूं ही खत्म होगा लगता नहीं है। अभी शुजा ने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। अब देखना है कि अमेरिका से लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज हवा हवाई थी या फिर इसमें कोई दम भी है। लंदन से लवीना टंडन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। वैसे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले खुला आमंत्रण दिया था चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को कि आइए और बताइए कि ईवीएम में छेड़खानी कैसे होती है। तब कपिल सिब्बल और ये शुजा साहब की जोड़ी कहां थी? मोदी सरकार के मंत्री कल लंदन में हुई हैकर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैकिंग का हॉरर शो करार देने में लगे हैं, तो ईवीएम का विरोध करने वाली पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आपको दिखाते हैं कि ईवीएम को लेकर कल कैसे लुथियन जोन में सियासत खुलने लगी। A complete discrimination between the EVM data and the VVPAT data. So you will find a huge amount of discrimination or discrepancy constituency. About 5,000-6,000 votes is more in 40 constituencies. दिल्ली से करीब 6700 किलोमीटर दूर लंदन में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया। ईवीएम पर उठ रहे सवालों को उड़ान के लिए नए पंख लगा दिए। दरअसल अमेरिका में बैठे हैकर सैयद शुजा ने दावा किया कि उनकी टीम ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की। And we managed to stop possible interchanging of data in EVMs. सवाल सीधे बीजेपी की ओर उठ रहे थे, निशाने पर आम आदमी पार्टी भी थी। हैकर ने दावा किया कि ईवीएम में हैकिंग की बात बीजेपी के पूर्व नेता गोपीनाथ मुंडे जानते थे, इसलिए उनकी हत्या की गई थी। दरअसल लंदन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल मौजूद थे। इस अमेरिकी हैकर ने दावा किया कि ईवीएम को ग्रेफाइट आधारित ट्रांसमीटर से हैक किया जा सकता है, बिना ब्लूटूथ और वाईफाई के ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हैकिंग के लिए ईवीएम के चिपसेट को बाईपास करना होता है। 2014 चुनाव में ग्रेफाइट आधारित ट्रांसमीटर वाले ईवीएम इस्तेमाल हुए, जिससे 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम में हेर फेर की गई। यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र चुनाव में भी ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। अमेरिकी हैकर के इस दावे से ईवीएम का विरोध करने वाली पार्टियों को नई ताकत मिली। सवाल चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव के दावे पर भी उठ रहे थे। ऐसे में सबसे पहले चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि ईवीएम में छेड़छाड़ असंभव है। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बेहद कड़े सुपरविजन में बनाई जाती हैं। 2014 में गठित तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी की देखरेख में ये पूरा काम होता है। हम इस बात पर भी अलग से विचार करेंगे कि क्या इस मामले में कोई कानूनी मदद ली जा सकती है। चुनाव आयोग की सफाई अपनी जगह, हैकर के दावे से कांग्रेस की बांछे खिल गई, तो बीजेपी ने पलटवार में देरी नहीं की। देश में तो कोई इस बात को दावास पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल चलाना चाहती और इस मंसूबे को पूरा करने के लिए बीजेपी कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की फिराक में है। उनसे बात की आज तक संवाददाता राहुल कमल थे। Absolutely, they are trying this continuously, and they are trying with all kinds of allurements. They've had meetings with them. They've given them all kinds of allurements of positions as, that they'll be made ministers of cash, all those kind of things. So you need 115 by your own account. You're at 120. Panch bhag gaye to gaya. नहीं यार, पांच तो उनके भी तो भाग सकते हैं। Latest खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।